लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भाया, तुम लोगों की फैक्ट्री और तीन बंगला की कीमत यूं कहो के 18-19 करोड़ हुए हैं, मगर हम उन सब के बदले 10 करोड़ दे सके अंगूठा लगा के। मंजूर हो गए तो यो रहा एग्रीमेंट, इस पर आप चारों के दस्तखत चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है, एक महीने की तो बात है सिर्फ। महीने के बाद एक दिन और छोड़ डा बाया, लेकिन उसके दूसरे दिन हमको मारा पीसा वापस मिल जाना चाहिए अंगूठा लगा के। अरे मिल जाएगा सेठ जी, महीने से एक दिन पहले ही मिल जाएगा अंगूठा लगा के। देखिए शर्मा जी, कुछ भी करके रात दिन एक करके माल तैयार हो जाना चाहिए। मैं 10 गुना ओवरटाइम देने को तैयार हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यू सी टू इट। राइट, थैंक यू। कितना माल तैयार है? 200 टन। बाकी 800 टन का क्या हो जाएगा? सुबह तक 100 टन तैयार होने की उम्मीद है। उम्मीद नहीं, मुझे गारंटी चाहिए। मुझे कल सुबह तक 100 टन चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट गेट आउट। ये बड़े कितना बाकी रह गया है? 400 टन। माय गॉड भाई, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो जल्दी। एक 1000 टन माल रेडी, वो भी एक महीने के अंदर। चलिए आप डॉन जॉन से चलकर मिलते हैं। चलिए आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। रेडी फॉर डिलीवरी, यानी ऑर्डर तैयार है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी। इन्वेस्टमेंट भी काफी किया होगा। डॉन जुआन को आपसे यही उम्मीद थी, इसीलिए तो उन्होंने आपको बैम्बूज करने का फैसला किया है। पार्टी डांस सिलिकॉन का जश्न, ये देखिए। Your Excellency, आप तो डांसर भी एक्सेलेंट है। और योर एक्सेलेंसी, द केमिकल इज रेडी फॉर डिलीवरी। डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? सिलिकॉन केमिकल की। 1000 टन सिलिकॉन की। जिसका हमें ऑर्डर दिया था आपने। ऑर्डर? कहे का ऑर्डर? अरे सेक्रेटरी जी, आपने 15 लाख रुपया एडवांस भी दिया था उसका। एडवांस? कहे का एडवांस? आपके पास एग्रीमेंट है? तुमने हमसे धोखा किया है, हम तुम दोनों को जेल भिजवा देंगे। किसको जेल भिजवाओगे? तुम्हें डॉन जॉन, तुम्हें। तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रेम चोपड़ा, मैं डॉन जुआन नहीं, प्रभात हूँ। प्रभात? प्रभात? लेकिन प्रभात, तुम तो गूंगे थे, तुम्हारी आवाज कैसे आ गई? मेरी आवाज मुझे मेरी माँ ने दी है, जिसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। जिसने तुम्हें जिंदगी दी, तुमने उसे मौत दी। किस बात का अहंकार है तुम्हें? पैसों का? जिंदगी भर पैसे पैसे के लिए तरसोगे तुम। मां की बद्दुआ है तुम लोगों को कभी नहीं बख्शेगी। और प्रेम चोपड़ा, 1000 टन सिलिकॉन तुम कहां बेचोगे? 10 साल लग जाएंगे तुम्हें बेचते बेचते। कहां से चुकाओगे 10 करोड़ रुपए? मुझे तुम लोगों को बर्बाद करना था, सो कर दिया। लेकिन अब जाओ यहां से, जाओ। हम लोग तो रास्ते में आ जाएंगे। निकालो इन लोगों को। चल निकल कहते हैं। सुनो भाई, याद रखना मेरा नाम। अरे बहुत हो गया प्रेम, चल निकल। ये क्या हो गया? हमारा बोर्ड नीचे उतर दिया, ये हमारी फैक्ट्री भी गई क्या? ये कैसे हो सकता है? आओ। आ,
ये सब क्या है? जिस तरह तुम लोगों ने राजन केमिकल्स का बोर्ड उतारा था, आज उसी तरह तुम्हारा बोर्ड उतार गया। फर्क सिर्फ ये है कि तुम चारों के टुकड़े हो गए। लेकिन ये फैक्ट्री मारवाड़ियों के पास गिरवी है। तुम्हारे नाम की सारी हुंडियां मारवाड़ियों से मैंने खरीद ली हैं। अब तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, चलो जाओ, जाओ यहां से। देखो तुम देख लेंगे, हमारी फैक्ट्री भी छीन ली इसका ये प्रभात साला। तो देखना सूर्या, मैं इसे ठीक करके रहूंगा। सूर्या, सूर्या बेटे, अरे बेटे हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ जीजा जी? देखो हमारे बंगले पर कोर्ट का नोटिस लगा है। नोटिस फाड़ देने से बंगले की नीलामी नहीं रुकेगी। प्रभात बेटा, जो हो गया सो हो गया, मैं इन सब की तरफ से तेरे से माफी मांगता हूँ, इनको माफ कर दे। माफ कीजिएगा आप? ज्वाला साला, तेरा मामा। ओ हाँ हाँ, सतेला मामा। बेटा बेटा, मैं तो तेरा बाप हूँ ना। बाप क्यों अपने आपको गाली दे रहे हो पिताजी? मैं ठहरा मनहूस। लोग मनहूस के बाप को मनहूस ही कहेंगे ना, और मुझसे ज्यादा ये कौन जान सकता है कि मनहूस लफ्ज कितनी चोट मारता है दिल पर। प्रभात भैया, कोई मेरा भाई नहीं जो मेरी मां की मौत का जिम्मेदार है, वो मेरा भाई नहीं हो सकता। कल सूरज उगने से पहले आपने ससुर से कहकर किसी झोपड़े का इंतजाम कर लेना। बंगले की नीलामी की नोटिस? मेरा बंगला नीलाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं 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 यार, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास कुछ सोचने के लिए, जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ, अरे हाँ सूर्या, हम सब में से तुम ही एक शख्स हो जो अपने घर के कोने कोने से अच्छी तरह से वाकिफ हो, इसलिए आज ही रात को वो सारे पेपर्स प्रभात के घर से लाने होंगे। हाँ, चोरी करके? अरे चोरी क्या है, इसमें प्रभात का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना। हाँ, किसी भी कीमत पर हमें वो सारे कागजात हासिल करने होंगे सूर्या, वरना हम सब जीते जी मर जाएंगे। बस एक बार वो हुंडिया हमारे हाथ में आ जाए, हमारी सारी परेशानियां खत्म। क्या बात है राजा? Yeah.
पापा पापा आप यहाँ बैठे शराब पी रहे हैं, वहाँ सूर्या को रात भर से हवालात में बंद कर दिया है, प्रभात ने उस पर कातलाना हमला करने का इल्जाम लगाया, पापा उसे छुड़ा कर लाइए, उसकी जमानत दीजिए, हम सुन रहे हैं ना पापा। नहीं सुन रहा मैं, जब से वो गुंगा बोलने लगा है ना मैं बहरा हो गया हूँ, अंधा भी हो गया हूँ। मैं सूर्या उर्या के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते आप उसके लिए? आप ही लोगों ने तो मिलकर उसे कहा था ना कि वहां जाके चोरी करो, और जब वो पकड़ा गया तो आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि मैं सूर्या के साथ साथ खुद हवालात में बंद होना नहीं चाहता। हाँ। तो क्या आप अपनी बेटी की मदद नहीं करेंगे? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपके अपमान का बदला? मैंने भी तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और जो कुछ भी तुमने किया वो अपनी खुद मर्जी के लिए किया था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और वैसे भी शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। तो क्या आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहा? हाँ, सारे रिश्ते टूट गए हैं। अब तू अपनी सोच और मुझे अपनी सोच ले दे। मैंने तुम्हारी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया, बस बात खत्म। तो अब मुझे भी अपना फर्ज पूरा करने दी। ये थप्पड़ उस बाप के चेहरे पर है जिसने अपनी ही बेटी को अपना ही घर बर्बाद करने की सलाह दी थी। आज के बाद कोई भी बाप अपनी बेटी को यह सलाह नहीं देगा। अरे नागिन, तेरी माँ मेरे भाई के खिलाफ मेरे कानों में जहर भरने वाली औरत, तेरी सजा मौत है, मौत। सूर्या, मार डालो मुझे, मैं तो किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। मेरा तो पश्चाताप भी मानो पाप है सूर्या। तुम्हारे पश्चाताप के लिए सिर्फ एक ही जगह है अनु, प्रभात भैया के पास जाओ, उनसे माफी मांगो। हाँ सूर्या, मैं प्रभात भैया के पांव पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगी, और वो जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं उनके पांव नहीं छोड़ूंगी। मेरी दीदी को किसने हाथ लगाया था? अनु, अनु ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई? चल मुझे